हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशालता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज मेरा टेरेस। तो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा थोड़ा हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी समर में उतना कुछ हार्वेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि हम तो 2-3 दिन बाद हार्वेस्टिंग करते हैं। और थोड़ा ओवर व्यू भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छा लगेगा। तो सामर में जो कुछ मिलेगा वही अच्छा है फ्रेंड्स। अभी तो बाजार में बहुत सारा दाम है, तो मेरा गार्डन में जो कुछ होता है वही अच्छा है। तो ज़्यादा करके तो आप लोगों को हम बताते हैं फ्रेंड्स, साग ही हार्वेस्ट होता है। और सब कुछ थोड़ा थोड़ा होगा, और जब थोड़ा थोड़ा करके हम टेबल में रख देते हैं तो बहुत कुछ हार्वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा वेजिटेबल्स हो जाता है। और ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये शावर स्पिनेस है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पामकिन का पौधा ये सूख गया, तो ये पामकिन तो हार्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा। मिट्टी लग गया। छोटा बड़ा जो मिलेगा अच्छा ही है ना। और ये शावर स्पिनेस भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, तो अभी ज्यादा होगा और भूसी भी होगा। और फ्रेंड्स, इधर ये देखिए मेरा जो ब्रिंजल है, ये इसका सीड्स रेडी हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले इसका सीड्स हम रख देंगे। और फ्रेंड्स, ये छत देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऑलिव में देखिए कितना सुंदर फ्लावर आया, देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये नीम लीफ थोड़ा हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये जब जो छोटा छोटा जो ब्रांच आया, यही हार्वेस्ट कर लेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। आप लोग मेरा रेसिपी चैनल ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बोंगयाम। तो बोंगयाम जब देखिएगा तो पता चल जाएगा ये सब लीफ हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आप लोग को भी आइडिया मिलेगा, क्योंकि ये नीम तो बहुत फ़ायदा होता है हेल्थ के लिए, तो खाना चाहिए। तो देखिए इतना सा लीफ हम हार्वेस्ट कर लिया। और इधर भी ये साग भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे, नहीं तो इसको इसमें देखिए सब फ्लावर आ गया, सीड्स आ गया, तो ये कड़ा हो जाएगा। तो इसलिए टाइमली हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे भी साग खराब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरा अनार में तो देखिए पूरा सब हम प्लास्टिक ढक के रख दिया, जितना अनार हुआ। और इधर सब बेल गोभी अभी तक है। तो और इधर भी देखिए फ्रेंड्स, ये सब साग हम लगाया, तो ये साग भी बड़ा हो गया जितना, तो ये सब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत जल्दी जल्दी साग बढ़ जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, फिर हम इनको साग लगाया, रेड अमरन लगाया। मेरा गार्डन में जो हुआ वही सीड्स।
और फ्रेंड्स देखिए इधर हम पीटर बोर्ड लगाया, तो ये सब अभी छोटा है हो रहा है। ये ब्रिंजल भी अभी गर्मी में थोड़ा कम हो रहा है। और ये जो ब्रोकोली का पौधा है ये काट देंगे। एक दो जो टोमेटो हो रहा है हम हार्वेस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इधर देखिए एक स्नेक बीन्स हुआ, बहुत बड़ा हुआ। छोटा मोटा जो हार्वेस्ट हुआ। और ये देखिए फ्रेंड्स ये वाटर स्पिनेस थोड़ा हार्वेस्ट कर लेंगे तो भी अच्छा होगा। देखिए इसका सीड से भी हो जाता है। देखिए ये सब फ्रूट्स आ गया, ये सूख गया, ये कलेक्ट करके रख देने से इससे हो जाएगा। तो ऐसे भी एक काट के लगाने से हो जाएगा। आप लोग भी बाजार से जब शाक खरीद देते हैं वहीं से थोड़ा काट के लगा दीजिए। तो इस टाइम इसका सीजन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इस टाइम होता है। और ये सब शाक हम छोटा छोटा जगह में हम लगा के रख दिया और बहुत अच्छा होता है। स्पिनेस है फ्रेंड्स, सावर स्पिनेस है, ये बहुत अच्छा है, एकदम नरम रहता है। और फ्रेंड्स देखिए मेरा कारी लीव्स देखिए बहुत सुंदर हो रहा है। और ये बेल गोभी इसको तो हार्वेस्ट कर लेंगे, ये भी लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि और गर्मी में भी ये उतना अच्छा नहीं होगा। और इधर भी एक शाक है, ये सब जंगली घास है। और फ्रेंड्स इधर देखिए मेरा जो रोज में देखिए ये सब साग हो गया, ये सब काट लेंगे हम, तो बड़ा हो गया, काटना भी चाहिए। कुछ दिन पहले हम हार्वेस्ट कर लिया बहुत सारा स्नेक बीन्स।
और फ्रेंड्स ये शाक इखनते यहाँ से भी हम रख देंगे तो एक बार और बढ़ जाएगा तब। और पुदीना अभी हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। इधर भी टोमेटो सब पक गया। इधर सब बीट है, और एक बीट सब ले लेना चाहिए फ्रेंड्स, और नहीं होगा और ये समर से खराब हो जाएगा। और फ्रेंड्स इधर ये देखिए मेरा बेड में फ्लावर आ गया, और इधर भी शाक है, और ये गोभी भी ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये देखिए इसका सीड्स रख देंगे। ये मेरा ब्रिंजल है वाइट कलर का, इसका सीड्स रेडी हो गया। और ये भी वाइट कलर का ब्रिंजल है लंबा, इसका भी सीड्स रेडी हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, और थोड़ा थोड़ा देखिए फ्रेंड्स अभी समर में मेरा गार्डन कितना कैसा है। और फ्रेंड्स यहीं से हम इमली हार्वेस्ट कर लिया, आप लोगों को हम दिखाएंगे तोड़ के रख दिए। और ये ब्रिंजल को हर भी एक तो है। और फ्रेंड्स इधर गंधराज लेमन बहुत अच्छा हो रहा है, और सब इधर देखिए थोड़ा थोड़ा सब समर में मेरा गार्डन कैसा है। और थोड़ा ये स्पिनेस ले लेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। सब नया होगा, और ये सब छोटा छोटा लीफ है, नया लीफ है, ये खाने में नरम है और टेस्टी भी है।
बहुत सारा सीड्स है फ्रेंड्स, तो आप लोग को भी अच्छा क्वालिटी का सीड्स चाहिए तो मेरे पास है, आप लोग मांग सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा जारवेरा में ये एस्कॉट का पौधा हो गया, तो इसका हम साग ले लेंगे क्योंकि मेरा जारवेरा में वो परेशान करेगा। और ये मेरा जामुन का पौधा देख लीजिए फ्रेंड्स, और इधर भी बहुत साग है फ्रेंड्स, ये तो हार्वेस्ट करना पड़ेगा। उस दिन हम इसको हार्वेस्ट कर लिया, फिर अच्छा से ये हो रहा है। अभी सब टोमेटो का पौधा सूख जा रहे हैं, बहुत दिन टोमेटो हुआ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये गंधराज लेमन, और थोड़ा ये बढ़ेगा तब हम लेंगे, और ये कुंदरू एक तो हुआ। और फ्रेंड्स अभी तो समर में रोज तो थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर ये जो रोज है इसको हम ले लेंगे क्योंकि ये हम चाय बनाएंगे, गुलकंद बनाएंगे। आप लोग मेरा गुलकंद का रेसिपी का वीडियो देखा कि नहीं तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा गुलकंद रेसिपी, तो हमको अच्छा लगेगा। इधर एक गंधरस लेमन है, इसको हम ले लेंगे। और फ्रेंड्स इधर देखिए सब बीटर गोट हो रहा है, तो इधर ये सब साग, ये
एक ही साग से कितना साग मिलेगा हमको। आप लोग ये साग जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स, ऐसे एक गिर के हो जाता है तो फिर भी ये साग खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत नरम भी होता है। हम तो गार्डन में ऐसे रख देते और इसका सीड्स गिर के मेरा गार्डन पूरा भर जाता है। देखा ना फ्रेंड्स, एक साग से कितना साग हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए फिर आज हम कितना सारा वेजिटेबल्स हार्वेस्ट किए। अभी सामान में भी मेरा टेरेस गार्डन से कितना सारा वेजिटेबल्स देखिए फ्रेंड्स। आज 2-3 दिन बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर भी मेरा इतना कुछ हार्वेस्ट होता है। फिर भी अभी सामान वेजिटेबल्स उतना हार्वेस्ट नहीं हो रहे। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, ये ढेर सारा शाक हार्वेस्ट किए। ये देखिए ये शावर स्पिनेस है, ये भी आज ढेर सारा हार्वेस्ट किए। और ये लेटस भी हार्वेस्ट किए, और ये अमरन तो बहुत सारा है, और ये पार्सलिन शाक बहुत है, थोड़ा मालाबार स्पिनेस, बेल गोभी, और ये ब्रिंजल देखिए, ये सब सीड्स रख देंगे हम। ये सीड्स रेडी हो गया, और ये रस रेडी है। तो और फ्रेंड्स देखिए, एक गंधराज लेमन, और ये फीग है दो को, एक स्नेक बीन्स, ये भी स्नेक बीन्स है, और टोमेटो भी हार्वेस्ट हुआ। अभी तक इतना सारा मिल गया, और ये वाटर स्पिनेस, और ये नीम लीफ, और एक छोटा सा पम्पकिन। तो यही था आज मेरा टेरेस गार्डन हार्वेस्टिंग वीडियो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।